नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका के कैंट रोड पर पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर इच्छापुरन जयमा वैष्णवी मंदिर में सोनू देवा जी की रहनुमाई में सावन मेला चल रहा है। यह सावन मेला 12 अगस्त से शुरू किया गया था। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सोनू देवा जी से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। दिन दर्शन दे सब ते माँ दे रंग बरसन दे सोन महीना सब ते माँ दे किच्ची जान त्यारी जीनू किच्ची जान त्यारी जीनू चिट्ठियां माने कलिया माँ दे मेले नू चलिया संगता फाजिलका के कैंट रोड पर इच्छापुरन जयमा वैष्णवी मंदिर में यह मेला चल रहा है। सोनू देवा जी जो कि यहां की संचालिका है, उनकी रहनुमाई में यह मेला चल रहा है। भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। आज यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। देखिए किस प्रकार से यहां पर सावन मेला चल रहा है। आज 7वें दिन लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। मंदिर के पुजारी अशोक दीक्षित भी यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां पर अब मुख्य आरती करवाई। देखिए किस तरह से लोग यहां पर लंगर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इच्छापुरन जयमा वैष्णवी मंदिर की संचालिका सोनू देवा जी से। ये देखिए किस प्रकार से हमें जानकारी दे रही है। आरबी लाइव मीडिया आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब करना न भूलें। माता जी, की मेला चल रहा है, इनके बारे साडे दर्शकों को जानकारी दो। सावन का मेला हर साल इसी तरह मथुरा दरबार से लगाया जाता है। ये माता चिंतपूर्णी के आशीर्वाद नाल हर साल वैष्णो देवी के आशीर्वाद में इस तरह आते लगता है। तो माता रानी की इच्छा यही, माता रानी के द्वारा सारी संगत इसी तरह दरबार से हर साल मेले में आएंगे तो माता रानी का खुला आशीर्वाद मन के दिखा रहे। जयकारा जोतावनी बहुत सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, तुसी जानकारी दो भी किस तरह का मेला होंगे जी। देखो जी, ये जो सावन का मेला है, असं वैसे कुछ नहीं कर सकते, ये मेला माँ आप ही लगा दी है। ठीक है ना, ठीक है। सानू वैसे तो 9 साल हो गए मेला असं नहीं लगा रहे। वैसे गल तो पहले कह जा कि देवा जी की रहनुमाई इतना छत्र शायद देवा जी की और कृपा माँ की, ये ही जो माँ का आदेश होंगे है। वैसे मेला सारा साल लगता इतने, जिमें कि सावन का मेला हो गया, इस पर गणेश उत्सव आ जाएगा, फिर नरातों का मेला, फिर नरातों का मेला, मेरा सारा साल लगे रहने लगे इतने। और जो भी इंसान अज तक इतने आया, मैं देखिए मैं जो अनुभव अपनी जिंदगी का, कोई भी खाली नहीं गया। हर आदमी खुशी का इजहार करने वास्ते मेला लगा के आके दरबार तो संगत लंगर का प्रसाद खादियां ने। मां का धन्यवाद कर, असल मन का धन्यवाद करना आ जाएंगे, क्योंकि लंगर तो एक बहाना है, हमने सबको माँ का दर्शन करवाना है। बोलो जय माता। जी सर, ये जो मेला चल रहा है, इनका समापन कदों होएगा, तो समापन के की प्रोग्राम हो? मेले का समापन कल दिन शनिवार 18/8/2018 होएगा जी। प्रोग्राम शाम में पहले कंजक पूजन, फिर आरती होएगी, उस तो बाद पूजन होएगा, उस तो बाद जगराता अष्टमी की रात का जोड़ा जागरण होंगे वो जागरण होएगा, जिस विच हजारा ही संगत जागरण की रात इतने पहुँच दी है। तो जागरण की रात की महत्ता यह है भी जिहड़ा भी श्रद्धालु इत्थे सच्ची श्रद्धा नाल नारियल जां अपने मन की जो भी मुराद लैके आंदा, नारियल की भेटा चढ़ाता, माता राणी उनकी मनोकामना पूरी करती है। तो पूरे शहर वासियों नूं साडे वल्लों इह खुल्ला सद्दा निमंत्रण है कि आओ महामाई के दर्शन करो ते मूँह मंगियां मुरादा पाओ। जयकारा शेरा। सर, जिहड़ा मेला चल रहा है, कित्थे चल रहा है, वी साडे दर्शकां नूं दस्सो जी। ये मेला इच्छापुरन जयमा वैष्णवी मंदिर फाजिलका राधा स्वामी कलोनी विखे मंदिर है, उत्ते सोनू माता जी की रहनुमाई दे हेठा ये मेला चल रहा है। पिछले 8 दिन तो 12 तरीक तो ये मेला चल रहा है, जिस दे लड़ी च असी एतवार को पहले दिन 12 तरीक एक ध्वजा परिक्रमा पूरी राधा स्वामी कलोनी विखे निकाली सी, ते हजारा ही श्रद्धालु उस दिन भी आए सी, ते उस तरह ही लगातार पिछले एतवार तो संगत इतने आ रही, तो हजारा की गिनती में लंगर भी छक रही हैं, कीर्तन का आनंद भी लै रही हैं, तो अपन मुरादा जो उन्होंने मन में इच्छा है वो पूरी हो रही है। ता सारे शहर वासियों नूं यही निमंत्रण कि कल अष्टमी की रात में जागरण ते जरूर आ, जरूर आ जाओ जी। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, सोनू देवा जी की रहनुमाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चावला जी, किस तरह का आयोजन होंगे, साडे दर्शकों को जानकारी दो। बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है जी, और देवा जी की कृपा नाल हो रहा है।
सारी संगत पूरा साथ दे रही है, तो पूरा बस चढ़ के सारे हिस्सा लेंदे ने और पूरी सेवा हो रही है। यह चीज़ की कोई लोगों को सर की संदेश देना चाहोगे? संदेश देना भी इतने आओ, आदि जो थोड़े दुख तकलीफा ने जो चीज़ करते हैं इतने आओ तो पूरा उन्होंने फल मिलेगा। साहिल जी तुम इतने बहुत देर तो आ रहे हो तो की अज तक तुम पाया जी? मार्केट दरबार पे सब कुछ पा लेकिन माँ के दरबार पे आँखों की रोशनी है वो भी मेरे को मिल जाए जी। तो मेरे को माँ के दरबार पे इतना विश्वास है कि मैं मलोर से भी टूर के आ जाता हूँ। यहाँ अनिल अंकल जी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरी इतनी सेवा करते हैं, आते से लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, लंगर लंगर उठा कर कुछ पत्थर टुका कर घर पर भी छोड़ के आते हैं। ये इतनी सेवा करें कि माँ इसके ऊपर भी कृपा बनाई रखें, सब भक्तों पर अपना मेहरबान आते रहें। वो सच्चे दरबार की